हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित चटर्जी, सीनियर आई कंसल्टेंट, सरस्वती हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड मायोपिया। चाइल्ड बच्चों के बालकों ना जो आँख में जो नंबर होता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे आपका घर में कोई बच्चा है जो 14 ईयर से कम हो या 10 ईयर से कम हो, आप देखेंगे कि वो आँख को श्रिंक कर रहा है पढ़ने के लिए, वो कुछ चीज़ को अपने बिल्कुल आँख के पास ला रहे देखने के लिए, या वो ब्लैक बोर्ड में अगर स्कूल में वो पीछे के बेंच में बैठा है और वो कुछ ब्लैक बोर्ड में देखने के लिए आगे आ रहा है भाग के देखने के लिए, वो आपको बोल रहा है उसको पानी बहुत आता है, उसको हेडेक होता है, उसका सर पे भारीपन लगता है, या उसके टीचर कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ कुछ मिस कर जाता है, उसके रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कम हो रही है, उसको पढ़ने में मूड नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत पहले आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। हो सकता है उसके आँख में प्रॉब्लम हो, उसमें विजन में प्रॉब्लम हो, उसको चश्मे की ज़रूरत हो, या हो सकता है वो दवाई से भी ट्रीट हो सकता है। उसके लिए आपको एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा के फर्दर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ हमारे यहाँ मायोपिया स्पेशल क्लिनिक है। मायोपिया मतलब जिसके माइनस में नंबर है, -2, -3, -4, तो उनका हम विदाउट चश्मे से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या ड्रॉप्स दे सकते हैं, एंटायर चेकअप लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा हम यहाँ पे करते हैं, और अगर चश्मा भी लगता है तो कौन से टाइप का चश्मा है, पूरा हमारे यहाँ OPD में पीडियाट्रिक का अलग से आई क्लिनिक होता है। तो प्लीज़ हमारे पास आइए, हम पूरा उनका चेकअप करेंगे। थैंक यू।